नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। थाना बक्सा पुलिस ने लूट की घटना का 24 घंटे के अंदर सफल अनावरण करते हुए 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। 25 अक्टूबर को दिवाकर पाठक पुत्र श्री रामजी पाठक निवासी फिरोजपुर प्रथम थाना सिकरारा जनपद जौनपुर अपनी मोटरसाइकिल UP 62BK 1415 HF डिलक्स अपने गांव के अनुराग मिश्रा के साथ सिकरा मऊ से वापस अपने घर सिकरारा जाते समय रात्रि 9 बजे लखनीपुर पेट्रोल पंप से पहले वाराणसी लखनऊ हाईवे पर दो मोटरसाइकिल सवार 4 व्यक्तियों द्वारा ओवरटेक कर रोक कर दोनों व्यक्तियों से एक मोबाइल व दो अदर पर्स में रखे 3500 रुपए नगद, 2 पैन कार्ड व 1 आधार कार्ड छीन कर भाग गए, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर धारा 392 भादी पंजीकृत होकर विवेचना उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह को सुपुर्द की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार साहनी जौनपुर के कुशल निर्देशन में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सदर जौनपुर के निकट पर्यवेक्षण में लूट की घटना का सफल अनावरण हेतु दिए गए दिशा निर्देश के क्रम में थाना अध्यक्ष बक्सा त्रिवेणी सिंह के नेतृत्व में उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह मय हमराहे कर्मगण के द्वारा लूट की घटना को अंदर 24 घंटे सफल अनावरण करते हुए उटरू खुर्द रेलवे अंदर कुल से 4 नफर अभियुक्त गण श्रेयल निषाद पुत्र राजेश निषाद उम्र 19 वर्ष, आकाश निषाद पुत्र अजय निषाद उम्र 19 वर्ष, 3 राजकेशर पाल पुत्र रामपत्र पाल उम्र 20 वर्ष, आदर्श सिंह पुत्र सुभाष सिंह और नेता सिंह उम्र 20 वर्ष निवासी गण ग्राम उत्रुकला थाना बक्सा जनपद जौनपुर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल सहित लूटी गई 1 मोबाइल व 2 पर्स में रखे 3500 रुपए नगद, 2 पैन कार्ड बरामद किए गए तथा अभियुक्त गण को माननीय न्यायालय भेज दिया गया। जौनपुर से अब्दुगिरी की रिपोर्ट। सर, बक्सा थाने के अंतर्गत हुई लूट का पुलिस ने बहुत ही त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर आप लूट का खुलासा कर दिया है, इस बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? कल थाना बक्सा के अंतर्गत एक लूट की घटना हुई थी लखनीपुर पेट्रोल पंप के पास, और इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था और इसमें दिवाकर पाठक निवासी सिकरारा को चेस करके रोक करके 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 बदमाशों द्वारा लूट की घटना की गई थी, जिसमें उनके पास से 2 पैन कार्ड, 1 आधार कार्ड और 1 मोटरसाइकिल और 3500 रुपये जो वैलेट में थे, ये सब उन लोगों ने लूट लिए थे और तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए रिकॉर्ड 24 घंटे से कम समय में घटना में जो लूटी गई सारी जो चीज़ें थी उसको रिकवर कर लिया गया है और इस घटना में शामिल 4 अभियुक्त इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य है जिसको पुलिस ने अत्यंत कम समय में घटना में लूटी गई जो मोटरसाइकिल थी 3500 रुपये, 2 वैलेट, 2 पैन कार्ड और 1 आधार कार्ड, ये सब बरामद कर लिए गए हैं और 4 अभियुक्त जो उटरू कला थाना बक्सा के निवासी हैं इनको भी गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है और सभी को विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर, पुलिस टीम को कुछ कहना चाहेंगे जिन लोगों को गिरफ्तार किया? पुलिस टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है और उनके उत्साहवर्धन के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुरस्कृत भी किया जा रहा है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए स्टार 7 टीवी न्यूज।